नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश ड्रीम्स विद पूनम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत से DIY लैंप शेड, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत आसान है। लैंप शेड बनाने के लिए हमें एक बैलून की ज़रूरत पड़ेगी। बैलून का साइज़ आप अपने हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। और देखिए, अब इस बैलून को मैंने इस तरह से फुला के और एक गिलास के ऊपर ऐसे रख लिया है। उसके बाद मैंने लिया है फेविकोल का और पानी का घोल। मैंने इसमें बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें मिलाई थी और इसे अच्छे से घोल लेना है, कोई लम्स इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी टिश्यू पेपर की। ये प्लेन टिश्यू पेपर हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो इसकी जगह पर आप जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब बैलून के ऊपर थोड़ा थोड़ा फेविकोल का जो घोल हमने बनाया था उसे लगाते जाएं और उसके ऊपर जो टिश्यू पेपर हैं उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें इस तरह से चिपकाते हुए जाएं। इसकी हमें एक लेयर बना लेनी है। और इस तरह से पहली लेयर लगाने के बाद इसे बहुत अच्छे से सुखा लेना है। जब पहली लेयर बहुत बढ़िया तरह सूख जाए उसके बाद इसके ऊपर हम दूसरी लेयर अप्लाई करेंगे। और देखिए, एक लेयर सुखाने के बाद फिर एक और लेयर, यानी टोटल हमें तीन लेयर बनानी है और तीनों को हम बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। और देखिए, तीनों लेयर आराम से जब सूख जाएं तो ये एकदम वाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी कहीं से गीला नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम एक ग्लास के ऊपर रख लेंगे। और अब देखिए, मैंने ली है रोज़ पेटल। आप जो भी फ्लावर आपके पास हो आप वो भी लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक लेयर और बनानी है। इस तरह से रोज़ पेटल्स को नीचे रखें, उसके ऊपर जो नैपकिन पेपर है उसे रखें और जो हमने फेविकोल का घोल बनाया था उससे इसे अच्छे से पेस्ट कर लेना है। और देखिए, इसे खूब अच्छे से सुखाने के बाद ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर से बैलून निकालना है। तो हम कैंची से इसके ऊपर एक छोटा सा कट लगाएंगे और जो इसके अंदर हवा भरी है उसे एकदम से नहीं निकालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करेंगे। वैसे तो चार लेयर होती हैं, काफ़ी मोटी हो जाती हैं, तो हमारा जो लैम्प शेड है वो देखिए पिचकेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं से दब जाता है तो आप मुंह से हवा भर के उसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और देखिए, आराम से बैलून अलग हो गया और हमारा लैम्प शेड रेडी हो गया। अब आप चाहें तो इनके अंदर डायरेक्ट जो स्ट्रिंग लाइट्स होती हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनके अंदर वो नहीं लगाऊंगी, मैं जो बल्ब होता है वो लगाऊंगी। उसके लिए मैंने देखिए एक छोटा बल्ब लिया है और इसके साथ मैंने लिया है ये बल्ब होल्डर। ये बहुत आसानी से इसके साथ वायर के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से खोल लेना है और देखिए, इसके अंदर से निकालने के बाद इसमें एक गांठ लगा लें ताकि ये इधर उधर ना सरके। अब इसके पॉइंट्स कर लेते हैं और देखिए, ऊपर से इस तरह से इन्हें हाथ से ढीला कर लें और वायर को इनके बीच से निकालने के बाद जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी हेल्प से इसे टाइट कर लें और कनेक्शन बहुत आराम से हो जाता है।
अब इसे इसके ऊपर इस तरह से टाइट कर लें। और उसके बाद जो बल्ब होता है उसे इसके अंदर फिट कर लें। अब देखिए हमारे पास जो लैम्प शेड था ये ऊपर से थोड़ा सा टाइट था, तो इसे कैंची से एक सार कर लें और इतना होल हमें बनाना है जिसमें हमारा जो बल्ब है वो आराम से अंदर चला जाए। अब जब हम इसके अंदर होल्डर को डालते हैं तो देखिए ये ढीला रहता है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये बार बार बाहर निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक नीडल में धागा डाला है और दोनों तरफ से इस तरह से निकाल के धागे को वायर के साथ अटैच कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो वायर है ये ऊपर नीचे नहीं सरकेगी और हमारा जो लैम्प शेड है वो आराम से इसके साथ टंगा रहेगा। और हमारा खूबसूरत सा लैम्प शेड रेडी हो गया है और इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ ऐसा आया है। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिर मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।